हां जी जी होंडा की 70 और रोड पर ही ले जानी थी पापा वास्ते। नहीं बहुत अच्छी बात, बहुत प्यारी। सही है, प्यारी है। ओके कितने की? 10 लाख रुपए की है। 10 लाख रुपए की है, इतनी महंगाई हो गई है। हेलो फद, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। आए आए आए, दन्नो उतर रही है जो घर पे है। ओ ओ, राम ना सरकार, राम ना। ये इतिहास की पहली 70 मोटरसाइकिल होगी जिसके प्रोटोकॉल में पीछे 50 लाख रुपए की गाड़ी पीछे पीछे आ रही है। यार क्या करना है भट्ट साहब का? यार भट्ट साहब की बाइक का, बाइक का क्या करना है? हर बंदा मिलता है वो हमारा हाल चाल बाद में पूछता है, पहले पूछता है कि भट्ट साहब को बाइक कब लेके दोगे। कॉल जाती है सबसे पहले, कहते हैं कि आप लोग रोज लगे रहते हो, हर व्लॉग में लगे रहते हो कि कब लेके देनी, लेके दो लेके दो। यार बाइक का पता क्या सीन है, हमने कुछ व्लॉग्स पहले 6-7-8 व्लॉग्स पहले कहा था कि अगर 2000 कमेंट हो गए तो भट्ट साहब को बाइक ले देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह 15,000 कमेंट्स उस व्लॉग के नीचे आए कि भट्ट साहब को बाइक लेके दो, भट्ट साहब को बाइक लेके दो, भट्ट साहब की बाइक का। हाँ हर व्लॉग के नीचे होता है वोट फॉर बाबाज बाइक, वोट फॉर बाबाज बाइक। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल जोजो का आप लोग पूछ रहे थे, ये रहा जोजो। सर्दियां थी इसलिए मैंने उसको गिराज से निकाल के ऊपर वाले पोर्शन में छोड़ दिया था, कल मैं इसको शावर दिलवा के लाया हूँ और आज वो फिर गंदा हो गया। ये है कुत्ता एक नंबर का। अच्छा अब बाबा की बाइक का ये सीन है कि बाबा की बाइक मैंने सेल कर दी थी। अगर आपको नहीं पता, आपने वो व्लॉग नहीं देखा हुआ तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि बाबा की आंखों का ऑपरेशन हुआ था। बाबा को अल्लाह खैर करे, अब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सफ़ेद मोतिया आंखों में उतर आया था, ऑपरेशन कराया था दोनों आंखों का। और बाबा को काम कोई इतना खास नहीं होता, बस शौक है उनको बाइक चलाने का। अच्छा अच्छा अच्छा, शौक है उनको बाइक चलाने का। सोसाइटी में फिरते रहते हैं, नो सोसाइटी में फिरते रहते हैं मिंसा को लेके, कभी किसी तरफ कभी किसी की तरफ, कभी जिम चले गए कभी आ गए। तो बाबा का एक्सीडेंट हुआ था, मैं बहुत डर गया था, मैंने इसलिए बाइक ही सेल कर दी थी। और मेरे जो पापा है ना वो किसी फरिश्ते से कम नहीं है, फरिश्ता नुमा इंसान है, शरीफ सीधे साधे, घर पे ही काम है सारा, बाहर का कोई काम शाम है ही नहीं है, जॉब भी नहीं करते, कुछ भी नहीं है, ठीक है, एजेड हो चुके हैं मैं काफ़ी। मैंने बाइक उनकी सेल कर दी बिकॉज आई लव हिम सो मच, मैं नहीं चाहता कि उनको कुछ भी हो, डर से कर, हाँ उनके डर से मैंने बाइक सेल भी नहीं किसी को दे दी थी। तो अब वो बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं कि बाइक लेके दे, बाइक लेके दे। फिर उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके जो फैंस हैं, उन्होंने बस कह लो कि हर व्लॉग के लिए शोर किया हुआ, बाबा को बाइक लेके दो, बाइक लेके दो, बाइक लेके दो। अब मैं सोच रहा हूँ कि बाइक का कोई इंतजाम कर ही दें, बाइक का कोई जुगाड़ लगा ही दें, क्या करें भाई? लगाते हैं कुछ जुगाड़। मैं कहता हूँ कि ऐसे ही ना कोई टाल मटोल कर देते हैं कि भट्ट साहब 70+ लोगों के लिए जो है ना वो गवर्नमेंट ने असूल बना दिया कि वो बाइक ड्राइव नहीं कर सकते। उन्होंने फिर कोई ना कोई रीस लगा दे रही है या फिर बोलो जाके। हमें तो अब लोग इस तरह के मैसेज कर रहे हैं कि भट्ट साहब अगर आपके पास पैसे नहीं है हम आपको पैसे भेजते हैं, आप बाबा को बाइक देते हैं, हम आपको गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं, हम बाबा को बाइक गिफ्ट कर देते हैं। मैं कहता हूं नहीं यार, मेरा अपना बाप है, मैं लेके दूंगा, लेकिन मैं बस डरता हूं कि वो लेके फिर निकल जाए, कहीं ना कहीं चोट चोट ना लग जाए। लेकिन अब जो है ना वो काम हमारे हाथ से बाहर चला गया, मेरा ख्याल है कि बाइक लेके देनी पड़ेगी। सरप्राइज कर देते हैं, सरप्राइज कर दें, कहीं बाहर निकले हैं, मेरा ख्याल है कहीं गए हैं, अम्मा के साथ गए हैं या कहीं निकले हैं। नहीं अम्मा तो इधर ही, सेल्फियां लेनी है अम्मा तो, खैर बाबा कहीं निकले हुए, आज सनी सनी डे है, निकलते हैं बाइक का कुछ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं शावर ले लूं फिलहाल जोजो में, और मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा, ना ये नहाया हुआ है और ना मैं नहाया हूँ, ये तो भाई साहब नहाया कल नहाया है। अच्छा जी कितने का शावर होया सरकार का, दसना जरा। 6,000 रुपया कुत्ता नवाई 6,000 रुपये। लेकिन ये मेरी जान है, कोई बात नहीं, खैर है, बड़ा प्यारा है मुझे, ये नहा लेते हैं, मेरा कौन सा 6,000 लगना है, मैं नहा के आता हूँ, फिर देखते हैं क्या साफ करना है, बाइक लेनी है, कौन सी लेनी है, कितने की आती है, सरप्राइज कैसे देना, सारी डिटेल पार्टी स्टार्ट करते हैं। ओके बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम बेबी डॉल डार्लिंग, क्या हाल है? बड़ा शुक्र है। आपके हस्बैंड जी किधर है? इधर ही होंगे, बड़े डल डल से फिर रहे हैं, पता नहीं क्या हवादार हूँ। खैर है, क्या हुआ? क्या खुशबू, बड़ी प्यारी खुशबू है, क्या ये है कि ये लकड़ साड़ती है? अच्छा बाबा जी कहाँ से आए? ईरान से ना, खुदा की कसम बहुत ही जबरदस्त खुशबू है। अच्छा जी मैंने नहाना है, मुझे एक जरूरी काम है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, भाई कपड़े इस्त्री करते हैं यार, अवैस अप टू डेट है, कपड़े हमारे प्रेस पड़े हैं, शावर ले लेते हैं, शावर ले कपड़े चेंज करते हैं और फिर निकलते हैं। अभी मैं किसी को नहीं बता रहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, शाम को एक दफा ही पता लगेगा। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात, हाँ बस काफी है, ज्यादा हो जाएगी ना, सर में चढ़ेगी भी। ओके ओके जी, शावर वगैरह ले लिया है और रेडी शेडी हो चुका हूँ। कैसी लग रही है रेड शर्ट आपके भाई को, रेड चेक शर्ट कैसी लग रही है? तो फा आया कबूल करो, तोफू कबूल करो। चलिए भाई चलिए, हरिया 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 हरी। ओके बाबा जी अल्लाह हाफिज़, बहुत ही जरूरी काम जा रहा हूँ मैं। क्या जरूरी काम है? कान में बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा, कान करो कान करो कान करो, इधर करो, मैं नहीं बताऊंगा,
नोनी मम्मा कांच पड़ गया मैं कहता दसिया फिर नहीं बे यार मैं नहीं बताऊंगा यार आ रहा हूँ यार आपकी मेहरबानी प्लीज मम्मी प्लीज मम्मा जी जोर जबरदस्ती नहीं करो एक सरप्राइज है आपके लिए भी और किसी और के लिए भी लेट मी कम बैक आगे बताता हूँ ठीक है आपको पता लग जाएगा वापस आ लेने दो ठीक है कान चल बता देता हूँ कान करो मैं नहीं बताऊंगा ओके यार अल्लाह हाफिज ओके भाई चाबी दे गड्डी जी गड्डी चाबी दे ओके चल 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 मोहम्मद। अच्छा जी घर से निकल चुके हैं सबसे पहले हमें चाहिए रोकड़ू कायदे आजम कायदे आजम निकलवा लेते हैं कायदे आजम निकलवाने के बाद जाते हैं शोरूम मेरे दिमाग में तो वैसे है 5-6-7 बाइक्स जो होती है ना जो कंपनी चल रही है उनमें से कोई एक हमने बाइक लेनी है लेकिन दी बेस्ट जो भी होगी दी बेस्ट होगी क्योंकि बड़े भट्ट साहब के पास जानी है और आपको बता दूं कि अब तक का हाईली कमेंटेड व्लॉग है बाबा की बाइक का 15,000 कमेंट्स जस्ट इसी बात के कि भट्ट साहब को बाइक लेके दो भट्ट साहब को बाइक लेके दो चलते हैं शोरूम पहले पैसे निकलवा लेते हैं उसके बाद जाकर देखते हैं कौन सी बाइक लेनी है कौन सा कलर लेना है सारा हिसाब किताब आपको भी दिखाते हैं A few moments later. चलो जी भैया बैठो मैं पैसे लेके आया ठीक है ओके मेरी जान अल्लाह से अभी आए अल्लाह फद क्यों पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है स्मेल बड़ी बुरी है पैसे तो बड़ी गंदी लगती है जब ये यूज होती है तब बहुत अच्छी लगती है चल भाई चलो जी बिस्मिल्लाह आपके पास जरूरत के तहत हाजिर हूँ मुझे चाहिए एक अदद बाइक और आपको पता ही है किस लिए चाहिए बाइक मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट वायरल बाइक चाहिए किसके लिए चाहिए बताएं जी जनाब आपको चाहिए बड़े व्हाट्सएप के लिए हर बंदे ने पता है अच्छा जी बाइक बताए कितने की है क्या हिसाब था ये मेरे हाल पड़ी हुई है ना सब आपको प्राइस थोड़ी बतानी है जितने मर्जी पैसे दे दें जनाब यार नहीं यार नहीं यार दसो पहले ये व्हाट्सएप के लिए जनाब हमारी तरफ से गिफ्ट है नहीं लेकिन नहीं, मैं अपने पैसा तो दवांगा उन्होंने पता लगा ना कि फ्री आई है उन्होंने कहना कोई होर शायद पटीक पाल के मैंने उन्होंने कहना तू तो नहीं ना दी कुछ होर लिया दे मैं अपने पैसे देना चाहता हूं तुम्हारी मेहरबानी यार लेकिन ये रोड प्रिंस है ना रोड प्रिंस है ना ये तो चाइना वाली है हां चाइना की है ना नहीं यार अच्छी कोई बेस्ट बाइक यार होंडा 70 होंडा 70 ठीक है जनाब होंडा 70 मंगवा देते हैं बट साहब मंगवानी पड़ेगी जी जी अभी नहीं पड़ी हुई अभी नहीं है मिल जाएगी अच्छा इसकी क्या प्राइस है ये 1,08,000 की है बट साहब अच्छा ते मन्नू किन्ने दी आपके लिए पूरे 1,00,000 आए 8,000 ही चढ़ता है अच्छा ऐसा है कि 70 मंगवा देंगे वैसे जी आप जी मिल जाए फिर मैं आपके पास में थोड़ी देर तक आता हूँ ठीक है थोड़ी देर तक आता हूँ जब भी भाई अल्लाह थैंक यू मेरी जान थैंक यू चल यार यार भाई अब क्या करें बाइक तो मिली नहीं कहीं और से पता कर लेते बाइक आज लेके जाते हैं लेकिन उसको अब कह दिया वो पता कर देगा अरेंज करवा देगा बाइक तो फिर उसको तो पता है कितना टाइम लगे कल एक दिन लगे दो दिन लगे हाँ तो आज की आज तो अरेंज नहीं होगी बाइक लेकिन ये है कि बाइक अगर आज ले लेंगे तो आ जाएगी वरना फिर डिले हो जाएगी वैसे भी कमिंग फ्यू डेज के अंदर अंदर एक सरप्राइज है आप सबके लिए आपका भाई लेके आ रहा है सरप्राइज उससे पहले पहले हमने पापा की बाइक अरेंज करके जानी है आज आ जाए तो बहुत ही बेहतर है फिर आप कहाँ से पता करें इधर देख लेते मेट्रो देख लिया शोरूम देख लेते हाँ मैंने मेट्रो पे एक दो बार होंडा की बाइक्स खड़ी हुई देखी है ग्रोसरी करने गया था अम्मा के साथ ठीक है ना अगर तो मेट्रो से मिल जाती है वेल एंड गुड नहीं मिलती ना फिर किसी होंडा के शोरूम चलते हैं मैं सोच रहा था कि घर के करीब करीब से मिल जाएगी इजी हो जाएगा हमें बाइक को घर लेके जाना क्योंकि ना मैंने चलानी है ना इसने चलानी है ऐसे ही है ना तो थोड़ी सी चलानी पड़ेगी खैर है अगर कहीं दूर से शोरूम से लेके आऊंगा तो उसको घर लेके कौन जाएगा ठीक है भाई ऐसे करते हैं पहले मेट्रो देख लेते हैं अगर मेट्रो से मिल गई बड़ी अच्छी बात है ना मिली ना फिर चल जाएंगे किसी शोरूम ठीक है वहां से रिक्शा में करवा लेंगे ठीक है उसे कहेंगे ड्रॉप कर दे ओके चल मेट्रो चल फिर ओके चल भाई पैसे उठा ले जेब में डाल ले चल आजा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाह अकबर अच्छा भाई अब इतने बड़े मेट्रो में से बाइक वाला सेक्शन ढूंढना भी कोई अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह सर जी ठीक ठाक है शुक्र अल्लाह पाक आप कैसे जी दुआएं 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 यही होते हैं आप जी जी भाई जान हेल्प ही करते हैं हमारी क्यों नहीं ये बाइक का सेक्शन कहां पर है बाइक लेनी हमने तो आपने बाइक लेनी हां जी हां जी आज सर जी मेरे साथ आए 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 तो यहां पे होती है आपको हमने स्पेशल लेके जाना अंदर वाली साइड में हमारा जो बेर होता है देख लेना बंद ही ना करना सब अंदर जाके ये देखें ओहो बाइक का भाई ये रही बाइक देखो देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के हैं ये आ गया जी रेड कलर और ये आगे आ गए होंडा 125 और ये आगे आ गया ब्लैक कलर भी खड़ा है भाई ब्लैक भी खड़ा है अच्छा
हम लोग भाई ढूंढ रहे हैं हैं पागलों की तरह भैया। थैंक यू आपका शुक्रिया। क्या प्राइस है होंडा 70 की रेड कलर में? मैं चेक करके आपको, चेक करके काइंडली बता दें। और भाई रेड लेनी है कि ब्लैक लेनी है? बाबा ने ब्लैक को मना किया, उन्होंने कहा वो सफाई, बाबा को ब्लैक पसंद नहीं है क्योंकि वो साफ बहुत रखनी पड़ती है। रेड ये है कि उनको पसंद भी है और ज्यादा सफाई की उसकी केयर भी नहीं करनी पड़ती। ये देखो जी लाइन वाइज ही खड़ी है होंडा ही होंडा भैया। ये बात है हैदर साहब, मानो या ना मानो, ब्रांड ब्रांड ही है। रोड प्रिंस जो है ना वो है, वो भी ब्रांड ही है लेकिन चाइना का। ये जो है ना देखो, आए हाय हाय, हालांकि मिट्टी बड़ी हुई है लेकिन शाइन ही लगा बाबा। क्या बात है भैया, काइंडली पता कीजिएगा क्या प्राइस है रेड होंडा 70? थैंक यू। हाँ जी भाई, मतलब 1,58,000। अच्छा जी, फोन आ रहा है, एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ जी, सलाम भाई। हाँ जी, हाँ जी, हुक्म करें सर। वो बाइक आ गई है, बाइक आ गई है, बाइक आपने क्या गैराज में खड़ी की? कलर कौन सा? कलर रेड जो जनाब, जो सबसे अच्छा है। अच्छा जी, अच्छा मैं दरअसल ना बाइक ऑलमोस्ट डन करने ही लगा था। खैर मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास, अभी आ रहा हूँ। ओके जान, थैंक यू। हैदर आओ जरा भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सिर्फ मुझे ना थोड़ा सा टाइम दे। दरअसल मैं पहले एक जगह पे गया था बाइक लेने, मेरे भाई हैं, मेरा अपना ही शोरूम है, वो उन्होंने बाइक अरेंज करवा ली है। हाँ, उन्होंने करवा दी भाई, 15 मिनट ही बाइक अरेंज करा दी भाई। माजरत, थैंक यू मेरे जान, थैंक यू यार। बड़ी स्पीड मारी ने दीप भाई ने, एक दो दिन तो लग जाते हैं हमने तो। पैसा दसंगा, चल खोल बिस्मिल्लाह। ओके जी, तो बाइक की तलाश हमारी खत्म हो चुकी है क्योंकि नदीम भाई ने बाइक मंगवा ली है। एक नहीं, दो तीन बाइक उन्होंने मंगवा ली है। मैंने उनसे कहा, मैं कहा भाई तीन बाइक मैंने क्या करनी है, मैंने कौन सा रेंट का स्टेशन खोलना है? कहते भाई एक आपके लिए, बाकी दो हमने खड़ी कर दी, कोई और ले जाएगा। तो चलते हैं, जाके बाइक पिक करते हैं। उसके बाद एक दो चीजें और लेनी है, जो सेफ्टी टूल्स है भाई जान, हेलमेट ब्रो, हेलमेट बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे अपना बाप बहुत अजीज है भाई। हेलमेट लेके फिर चलते हैं घर और जाके सरप्राइज का इंतजाम करते हैं ब्रो। ओके, हमारी तलाश खत्म हुई, वरना हमें शोरूम जाना पड़ना था बाइक के लिए। मेट्रो अभी मिल ही रही थी वैसे तो। बाबा का डायलॉग सुनना, ओके वाला हैप्पीनेस वाला फेस देख रहा हूँ उनका। चलो जी। हाँ जी भाई, कौन सा अलादीन का चिराग हिला लिया आपने? 15 मिनट में बाइक आ गई है। साहब आपका हुक्म हो और बाइक कुछ और होता तो जनाब वो भी आते ना किया करें। नहीं नहीं, बाइक आ गई है जी। आए 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 आए, सारी रोड प्रिंस के अंदर एक होंडा 70। क्या बात है जी, क्या बात है, अभी रेड कलर है, बहुत प्यारी है भाई। आए 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 आए, हाँ जी, ओके ओके भाई। कौन सा मॉडल है ये? जनाब 2024 मॉडल है। ठीक है, और इसको नंबर लगेगा जो व्हाट्सएप कहेंगे। अच्छा जी, व्हाट्सएप छोटे व्हाट्सएप बड़े व्हाट्सएप, अपनी पसंद का नंबर जी नदीम भाई ने कह दिया लगवा के देंगे। भाई प्राइस क्या है इसका, रोकड़ा कितना? ये व्हाट्सएप प्राइस इसकी है 1,58,000। ठीक है, आपको मिलेगी 150। भाई जान, भाई ये स्पेशल डिस्काउंट है हमारा। लव यू मेरी जान, लव यू व्हाट्सएप के लिए, मेरे लिए नहीं, हमारी तरफ से नहीं। मुझे पता है होंडा की, ये डिस्काउंट नहीं है, प्यार है व्हाट्सएप के लिए, प्यार के लिए है कि मेरे लिए? प्यार है व्हाट्सएप के लिए कि मेरे लिए? आए पहले पता थी मनु। लो जी, ये व्हाट्सएप की बाइक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है। चेक कर लेते हैं कितना चली हुई है। पहले ए चली है जी 2 किलोमीटर। ठीक है ना, 2 किलोमीटर से पैसे से कटा लेते हैं 8,000 रुपये। ठीक है, बहुत प्यारी है। अल्लाह पाक व्हाट्सएप को चलानी नसीब करे और खैर आपके से चलाएं, गिरे ना, क्योंकि मुझे डर बहुत लगता है वो गिर जाते हैं। इतनी खास उनको अच्छी ड्राइविंग आती भी नहीं है। जबरदस्त भाई, पेमेंट करते हैं, पेमेंट कर देते हैं, हेलमेट भी लेना। हाँ पेमेंट कर देते हैं, फिर चलते हैं हेलमेट लेने। ठीक है, चल दासंगा पैसा पैसा दासंगा। लाओ जी बिस्मिल्लाह करो, पैसे दियो। हेलो फड़ो, और सीधे हाथ में मोबाइल है, क्या करूं मैं? हेलो फड़ो जी भाई, थैंक यू भाई, स्लिप आ गई। ये क्या है? अच्छा, ये बकाया पैसे? लो भाई 50,000 बकाया, थैंक यू। ओके जी, पेपर वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये बाइक ऑफिशियली भट्ट साहब के नाम पे है और भट्ट साहब की है। नदीम भाई थैंक यू फॉर द पेट्रोल, फॉर द डिस्काउंट, फॉर द अवेलेबिलिटी, हर चीज के लिए शुक्रिया आपका मेरी जान, लव यू। ये आ गया जी पेट्रोल, डालो पेट्रोल भाई जान। और मेरी बात सुन लो, ये जो शोरूम है ना ये घर के पास ही है, हम बाइक खुद चला के जाएंगे, रक्षे वाला काम नहीं करना भाई। ठीक है, मैं आप चलाऊंगा भाई, तू चलाएगा मैं चलाऊं? ओ पाते ही मैं चला कोई बात नहीं, खैर है, ये तो पास तो घर है। ठोकर चलते हैं, पहले ठोकर से जाके लेते हैं बजट हेलमेट लेके, फिर घर आऊंगा। तुम गाड़ी लेके घर चलो, ठीक है, मैं लेके आता हूँ, फिर आगे सारा हिसाब लगाते हैं कि सरप्राइज कैसे देना है। ठीक है, डन हो गया। ओके जी, आए आए आए, दन्नो उतर रही है जो घर पे है। ओ ओ राम ना सरकार, राम ना।
नवी मोटरसाइकिल है मेरे प्यो जी, राम ना तोड़ नहीं जे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितने गई है, आए 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 अल्लाह अकबर, बड़ा मैं आ रहा हूँ। ठीक है आप बैठो, मैं हेलमेट लेके आ रहा हूँ, ठीक है घर पहुंचो और व्हाट्सएप का ध्यान रखना, जरा साइड पे रखना उनको, मैं चोरी छुपे लेके आऊंगा, सरप्राइज का बंदोबस्त करते हैं फिर उनको रिवील करेंगे। ओके पहुंच मेरी जान। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, शोही तो मैंने मार रही है, ठंड बढ़िया भाई। ये लो थैंक यू। ओए एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो चलो भाई। तो शौक है बाइक चलाने का, वरना मैं कभी ना लेके देता, बड़ा मुश्किल काम है भाई। ये कड़ा है मेरा दोस्त हैदर, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। ये इतिहास की पहली 70 मोटरसाइकिल होगी जिसके प्रोटोकॉल में पीछे 50 लाख रुपए की गाड़ी पीछे पीछे आ रही है। Oh my God! Sorry sir. क्या हुआ? हेलमेट तो नीचे कर। क्या हुआ? रजब साहब के घर जाना, रजब साहब के। सर आपको तो अभी पहचान लिया क्या रजब? पहले मुझे कहता किधर जाता है? एक मिनट सबर कर जा, सबर कर जा। हाँ जाऊँ? जाऊँ? भाई ओके जी, तो हम घर पहुंच चुके हैं, बाइक मैंने खड़ी कर दी है यहाँ पे झाड़ियों के पीछे, घर हमारा वो रहा, अभी अंदर चलते हैं जाके देखते हैं अम्मा का बाबा का क्या सीन पार्ट है, क्या कर रहे हैं सारे कुछ, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम अपना सरप्राइज अरेंज करें फिर बाबा को दिखाएंगे। चाबी ला लिए। ओके जी बता देता हूँ पापा की तरह। पापा जान सुबह थोड़े से परेशान है और अब कम अज कम उनको 5 घंटे हो गए। क्या मतलब? वही दोपहर के निकले हुए, कहाँ गए यार? पता नहीं परेशान थे, कुछ चुप चुप थे, पता नहीं अब कहाँ। परेशान किस चीज से परेशान थे? खैर शुगर ज्यादा आई है, क्या प्रॉब्लम है? वो उन्होंने तुम्हें कहा, तूने कहा लाख होंगे, तो वो उस चीज का मुझे लगता है क्या होंगे लाख, पूरी बात किया करो। लाख लाइक्स होंगे तो लाख बाइक का मुझे लगता है, ये नहीं मुझे पता। कोई बात की उन्होंने आपसे? नहीं, अपनी तरह से आप अपनी तरह से आप ज़ूम कर रहे हो, टेवी लगा, है ना, टेवी लगा रहे हो ना। अभी किधर ना कोई बातचीत हुई है, कॉल शॉल किसी को की है? उनके पास मोबाइल है, पापा के पास मोबाइल भी नहीं है ना, गल कोई नहीं हुई किसी से भी नहीं। मिंसा के घर होंगे, मिंसा के घर भी मैं देख के आया, मिंसा का भी सबके घर देखा हूँ, कहीं भी नहीं है। कोई चक्कर नहीं, तो परेशानी वाली बात है। परेशानी तो फोन किया आपने ताबू की तरफ, चाचू की तरफ, किसी की तरफ? मैं जानी, मैंने फोन इसलिए नहीं किया कि शायद आ जाए कहीं मामबरगा वगैरह, कॉल नहीं नहीं भाई, मामबरगा 5-6 घंटे बैठ के आ गए वो मामबरगा में, वैसे कैसे आपको परेशानी जरा नहीं हो रही आपको? हेलो ताबिश। हाँ जी हाँ जी। यार मेरे पापा आपकी तरफ आए हैं? नहीं नहीं भाई नहीं, तो नहीं आ। आप घर पे फोन करें जरा पूछो। नहीं 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 मैं घर ही हूँ भाई, नहीं आए। हेलो जी, अच्छा चलो ठीक है, ओके यार थैंक यू। चाचू को कॉल करके पूछूंगा यार की परेशानी हो गई, अभी तो सरप्राइज दे रहा है सब पापा नु, मोए मोए हो गया हमारा, ये तो सानू सरप्राइज मिल गया, मोए मोए। अरे यार तू मोए मोए कर रहा है, मतलब परेशानी हो रही, मेरा प्यो भी तो चला गया अपने भाई के घर गई। अच्छा पापा की ना एक बचपन की जो मैं सुनते आ रहा हूँ ना अम्मा के मुंह से, एक आदत है, क्या मम्मा जी बताए जरा? इसलिए तूने कहा मम्मा आप तो पिछड़ा ही, कसम से सारी जिंदगी गुजर गई, पापा सेम ऐसे ही थे अभी तक वैसे के वैसे। कैसे बताओ? बस अच्छा बताओ ना, क्या करते कैसे? नहीं करते। मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम क्या है, पापा को अगर कोई चीज बुरी लगी है, पापा अगर किसी से नाराज है, पापा के दिल में बात है ना, और मेरी भी ये आदत सेम उन्हीं पे गई है, मैं बोलता नहीं, मैं एक्सप्रेस नहीं करता, दिल के अंदर कूटता रहता हूँ, कूटता रहता हूँ, कूटता रहता हूँ। कोई अगर बात बुरी लगी है ना, उन्होंने चुप करके ना अपने भाई की तरफ चल जाना, या बड़े भाई की तरफ चल जाना, या चाचू की तरफ चल जाना, लेकिन बताना नहीं किसी को, उधर दिल लगा लेंगे, उधर दिल लगा लेंगे, लेकिन बताते नहीं है कि मैं चला भी गया हुआ, मैं पहुंच भी गया हुआ, आज तक नहीं बताया। ऐसे क्या जी? मेरी हमेशा लड़ाई होती थी कि अब साहब अगर आप कहीं गए मुझे कॉल कर, एक कॉल से क्या जाता, कॉल दी की जरूरत, मैं उठे ही सा और मैं किधर एंड दे। अब फोन करते हैं, मैं तो सरप्राइज लेके आया था उनके लिए यार, बस आपका सरप्राइज खुद हो गया। सरप्राइज क्या है? मोए मोए हो गया, क्या सरप्राइज बताओ? मुझे बताओगे तो बताऊंगी। मैं नया उनके लिए हेलमेट लेके आया, उसमें बाइक डलवानी, बस हमने अब बाइक ले आया, बाइक नहीं लेके आया, हेलमेट लेके आया हूँ, बस अब हमने बाइक लेनी है, हेलमेट ले लिया हमने,
बुनियाद रख दिया। सीधा नहीं है, मुझे पता है तूने जाए 7 सालों के घर के ऑपोजिट साइड पे बाइक खड़ी है, ठीक है, लेके आ और चाबी। ओवे ओवे कितना खुश हो आई है, कितना खुश हो आई है, कितना खुश हो आई है। तू बड़ा सियाना पुत्र, पापा ने दादा बाइक तू चलानी है, लेकिन मैं दस दवा जे पापा ने तेन फड़ लिया ना, फड़ लैके आ अंदर ही लै मामा नू दिखा। खुश होना था भैड़िया, और क्या वादा, और मैं प्यो लभा कितों अपना। अच्छा जी आपको बाइक दिखाता हूँ, पापा लभ लेने, टेंशन नहीं लेनी, लभ लेने। चाचू को फोन करते हैं पहले, बाइक को देख लो। ओ आ गया, ये आ गया, ये आ गया, आया 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 आया, ये लो भाई आपके बंदे की बाइक आ गई है। मिना मिना मिना, ये ले तेरी सवारी आ गई है, अब तू सुबह शाम इसी पे फिरा करेगी, पता है मुझे, तू और तेरे बाबा इसी पे नजर आया करोगे सोसाइटी में मुझे। हाँ जी जी, होंडा की 70 है, और रोड प्रिंस लेके आनी थी पापा से। सही है, प्यारी है, ओके है, कितने की, 10 लाख रुपए की है, 10 लाख रुपए की है, इतनी महंगाई हो गई है। ओ, कोई हाल नहीं है, मर भी पागला। आपका क्या ख्याल है, कितने की और 10 लाख तो गाड़ी आ जाती होगी। 10 लाख कौन सी गाड़ी आती है मम्मा जी, 50 लाख रुपए की अपनी गाड़ी है, रोडो की गाड़ियां आती हैं। भाई आप झूठ बोल रहे, इतनी महंगी नहीं हो सकती। अच्छा आपका क्या ख्याल है, कितने की होगी, कोई आइडिया दो। कसम से मेरे ख्याल में ये 1.5 लाख से ज्यादा नहीं है। एग्जैक्ट पहुंच गए, 2 लाख तक पहुंच जाएगी, अभी हम 1.5 लाख ही देख के आए। नंबर वगैरह लगवा लो, नंबर भी लगवाया पूरा आंटी, बताओ क्या नंबर लगवाया, बताओ आइडिया दो। 786 तो मतलब चलो ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन 4 डिग्री लगते हैं ना, 12-14 की मैं कोटेशन दे गया, 12-14 लगवाना है, उन्हें मैं दसता 12-14। और क्या नंबर गैस करो, मनु बड़ी स्टील चार दी ऐसी, तो नंबर गैस करो, नंबर गैस करो, मनु माफी दे दे, 12-14 हमने लगवाना है, 12-14 लगवाना है, उनको देके आया हूँ, थोड़े से पैसे उसके एक्स्ट्रा होते हैं, अगर वो अप्रूव हो गया तो इंशाल्लाह 12-14 हमारा नंबर लगेगा, ठीक है ना। सही है प्यारी है, ये होती है कम्युनिटी, आज आप हमारे लिए कर रहे हो, कल को आपकी लोग आपके इससे भी ज्यादा। खुदा की कसम कभी ये सोच के नहीं किया, कभी ये सोच के नहीं किया, आप लोगों का जो हक है वो आप तक पहुंचाना मेरा हक है, ठीक है ना। अच्छा अभी क्या करें, सरप्राइज तो हमारा मोए मोए हो गया, हमारा सरप्राइज गॉन रॉन्ग हो गया। पापा सुबह आ जाएंगे, सुबह आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह आ ही जाएंगे, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी अभी जितना टाइम हो गया ना, पापा ने अब आना नहीं है, 7 बज गए हैं, ठीक है ना, हमारा जो सरप्राइज था वो गॉन रॉन्ग हो गया है। बाइक भी बेचारी खड़ी देख रही है कि मेरा मालिक कहाँ है, मेरे दिल रुबा कहाँ है, ऐसा। हेलो हेलो जान, बाइक पसंद आई है आपको, बाइक पसंद आई है, आप और आपके बाबा अब इस पे आवारागर्दी कर रहे हैं ना, करो ओते ओते। अच्छा जी अभी सीन ऐसे है कि फोन शोन घुमाते हैं, ढूंढते हैं अपने पापा को, कहीं ना कहीं में होंगे, चाचू की तरफ होंगे या फिर मेरे बड़े भाई जो ताया के बेटे हैं, चाचू का फोन या खुद आ जाएगा या मैं कॉल करता हूँ। फिलहाल के लिए व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, सही है, हमें आज की रात मिल भी जाएगी सोचने के लिए कि पापा को सरप्राइज कैसे दे रहे हैं, सरप्राइज कैसे दे रहे हैं, ठीक है ना, ओके सुनना होगा। ऐसा करते हैं कि फिलहाल व्लॉग को एंड करते हैं, रात सारी बैठ के सोचते हैं कि सरप्राइज सुबह कैसे देना है। अभी हम चलते हैं जिम, 7:15 हो रहे हैं, सुबह को पूरा सीन रेडी करेंगे, बट सब आएंगे, उनको सरप्राइज देंगे और आपको उनका ओके भी सुनाएंगे। फिलहाल व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड, उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, बाइक पसंद आई है या नहीं कॉमेंट करके लाजमी बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, होती मुलाकात, क्या कह रहे हो, ओते। ये लो जी ये हमारा मिनी ओते आ गया है, कल इंशाल्लाह आपको व्लॉग मिल जाएगा सरप्राइजिंग बाबा न्यू बाइक का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, होती मुलाकात कल इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, खुश रहो।